हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज अपन चला रहे हैं ये जो कि है अपनी हुंडई वर्ना 2013 फ्लूइड डिक डिज़ाइन। तो देखो क्या मस्त डिज़ाइन में है ये गाड़ी, वाइट कलर में है अपने पास आज। और विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट रिव्यू इन दिस वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो ऐसे इस टाइप पे आपको कुछ फ्लिप की मिलती है, आप सिंपल यहाँ से लो करो, आप फ्लिप पे इसको ऐसे बटन दबाओ और चाबी बाहर निकल आती है। आपको मिलता है, थोड़े बटन घिस गए और आपको मिलता है लॉक, अनलॉक और बूट। बूट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट बूट को दबा के रखोगे तो जस्ट बूट अनलॉक हो जाता है। अब जाके उसको आपको मैन्युअली ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन। सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। तो ये रहा इसका लीवर, हुड काफ़ी भारी है। मैं पहले ये लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना इसका जो ड्राइव ट्रेन है इसकी, बेसिकली अपने को यहाँ पे मिलता है 1.6 लीटर का डीजल इंजन। थोड़ा साउंड आसपास जो आ रही है इसको भी थोड़ा इग्नोर की जगह, मैं थोड़ा शूट लोकेशन मेरी ऐसी है, थोड़ा हाईवे पे शूट कर रहा हूँ। तो बात करें अपन इंजन के बारे में, 1.6 लीटर का अपना डीजल इंजन है ये। और अगर अपन इसकी बात करें इसकी पावर की और टॉर्क फिगर्स की, तो अपने को 126 BHP की पावर ये इंजन प्रोवाइड करता है 4000 RPM पे। और जो इसकी जो टॉर्क फिगर है वो है 260 Nm, जो अपने को मिल जाता है रिलेटिवली काफ़ी लो RPM पे, जो कि है 1900 RPM पे। तो काफ़ी अच्छा वेल पैकेज्ड इंजन है। बैटरी काफ़ी चेंज हो रखी है इसकी, इंजन कवर आपको यहाँ मिलता है। पर डीजल इंजन है ना, तो काफ़ी स्पेस इससे ऑक्यूपाई कर रखी है। यही गाड़ी एक पेट्रोल इंजन वाले ऑप्शन से भी आती है, वो काफ़ी रिलेटिवली कम अपना करता है। रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है इस इंजन के। बाकी जो अपन ड्राइव करेंगे तो और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसकी बात करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। आप देखो मतलब आगे से प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको कस्टम एक अच्छी काफ़ी डिज़ाइन के आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्टर्स हैं ये बाई बीम प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब लो बीम और हाई बीम जो है वो दोनों इसी प्रोजेक्टर के इंटीग्रेटेड है। यहाँ आपको ये जो आपको मिलता है ये इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पे आपको DRL मिलता है इसका। DRL मतलब सॉर्ट ऑफ जब आप पार्किंग लाइट ऑन करते हो तो जो एक लाइट ऑन होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हुंडई का लोगो आपको यहाँ पे मिलता है, साथ आपको यहाँ पे बढ़िया अच्छी बोल्ड क्रोम की लाइन्स मिल जाती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कमी है इस गाड़ी की सेडान के रिस्पेक्ट में, फिर भी सही है। 170 mm के आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है गाड़ी में, जो कि काफ़ी डिसेंट इनफ है एक सेडान के हिसाब से। आप मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सड़के होंगे उन्हीं पर आप उसके बेली को स्क्रैप कर सकते हो, नहीं तो उसके अलावा इसमें कोई इस तरीके के इशू है नहीं। तो देखो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपोजिंग, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। जो सेकेंड जनरेशन की जो फ्लूइड डिज़ाइन आया था उसमें काफ़ी इन्हें इम्प्रूवमेंट कर दिया था डिज़ाइन के एस्पेक्ट में। इस टाइप आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, आपको डिज़ाइन सिंपल ये इवेंट है अंदर के लिए। और टॉकिंग मीडिया में आपको एक CRTI की आपको बैजिंग मिलती है। और सेकेंडली टॉक अगर अपन बात करें अलॉय व्हील्स के बारे में, तो ये टायर्स चेंज हो रखे हैं, बट जो कॉम्पोजिशन है टायर्स की वो एकदम सही है। आप यहाँ देख सकते हो वन जो टायर साइज़ है 195 55 और 16 इनके इंच के अलॉयज मिलते हैं आपको, चार आपको हम नट मिलते हैं यहाँ पे। डिस्क ब्रेक यहीं सिर्फ आगे वाली व्हील पे है, पीछे वाली व्हील पे डिस्क ब्रेक नहीं है। आई थिंक जो टॉप वेरिएंट आता था इसमें, उसमें शायद आपको यहाँ पे भी डिस्क आपको प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप का कुछ साइड प्रोफाइल है गाड़ी का, काफ़ी स्लीक है। मतलब ये वन ऑफ द जो इसका जो डिज़ाइन है ना, यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सेल होती थी ये गाड़ी। अपन यहाँ पे बात करें तो शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है इधर, और पीछे की साइड अगर आएँ गाड़ी में तो आप देखो डिज़ाइन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है इसका। ब्रेक लाइट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, नीचे से भी आपको काफ़ी अच्छा, मतलब नीचे थोड़ा ब्लैक आपको टिंच दिया है जानबूझ के, जिससे कि आपका जो विजुअल जो बल्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पे आपको मिलते हैं चार पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे मिलता है आपको रिवर्स कैमरा नंबर प्लेट की जगह वरना 1.6 SX वेरिएंट है ये। इसमें एक और वेरिएंट आता था SX ऑप्शन। तो बूट अनलॉक करने के लिए आता हूँ, मैंने बताया था आपको की से अनलॉक कर लो, यानी तो वहाँ पे ड्राइवर साइड में जाके भी आप वहाँ से एक लीवर को खींचे कर सकते हैं। तो मैं उसको दबा के रखूँगा, ये देखो ये बूट अनलॉक हो गया। अब मैं इसको खोलूँगा बूट को, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा बूट थोड़ा सा भरा हुआ है। पर सबसे पहली बात, आजकल की गाड़ी में तो देखो ये इंसुलेशन भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं आती, काफ़ी अच्छी तरीके से गाड़ी को इंसुलेट कर रखा है यहाँ पे साउंड के लिए। और काफ़ी बड़ा आपको धूप मिलता है ये इस टाइप की जो सेडान्स है जो ये, इसमें आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि आपको बूट में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है। जो लोडिंग लिप है वो इतना हाई नहीं है, मतलब ठीक है सेडान्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, और ग्लास अपना वहीं स्टिल रहता है। यहाँ पे इस अभी जो नए वाली जो वेरिएंट्स आते हैं वरना के, उनमें तो यहाँ पे और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग कर दी है और स्पीकर्स वगैरह भी ऐड कर दी। बट ये 2013 के बाद के होने की वजह से
इतना इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि अलॉय नहीं मिलता, कॉस्ट कटिंग कर दी है वहाँ पे। पर एक बात अच्छी है कि आपको जो स्पेयर व्हील का साइज मिलता है वो ही मिलता है 195/55 R16, तो मतलब वही का वही आपको साइज मिल रहा है, उसमें कोई कटिंग नहीं हो रही कि छोटा साइज का आपको रिम वगैरह यहाँ पे दे रखा है। कर देते हैं बूट को क्लोज, काफ़ी अच्छा काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। अब बैठते हैं पहले पीछे की तरफ बैठ के देखते हैं क्या किस तरीके की स्पेस है। पहले बात करें दरवाज़ों की, तो यहाँ पे आपको दरवाज़ों पे सिंपल है कुछ नहीं, बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप आराम से 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। स्पीकर ट्विटर नहीं मिलते पीछे, सिर्फ आगे मिलते हैं ट्विटर, और आपको यहाँ पे पावर विंडो स्विच मिलता है। ये जो फिनिश है काफ़ी अच्छी है, एल्यूमिनियम टाइप फिनिश है यहाँ पे। तो अभी बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मेरी हाइट 6'2" है, उसके बावजूद भी देखो मेरे को थोड़ा सा अंडर थाई मेरी थोड़ी ऊपर है, पर वो ठीक है। वैसे इतनी बड़ी कोई इशू वो है नहीं। मेरी सीट वैसे काफ़ी आगे, मैंने काफ़ी पीछे कर रखी थी तो इस वजह से वो नहीं है। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको बॉस मोड मिलता है इसमें, जिसमें अभी लीवर खींच के आप इस लीवर को पूरा खींचो और आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो अपना यहाँ पे आराम से अपना लेग रूम बढ़ाने के लिए। तो बाकी अगर चीज़ों की बात करें, यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, हुक इस साइड नहीं मिलता, और इस साइड आपको हुक मिल जाता है अपना कोट वगैरह हैंग करने के लिए। सेम यही साइड इस तरफ भी है। अब ये जो बेंच है यहाँ पर, ये इतनी वाइड नहीं है, दो जने तो एट कंफर्ट में रहेंगे, तीसरे के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं। ऐसे ये जो सेंट्रल कंसोल है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है। फ्लोर तो रिलेटिवली फ्लैट ही है, बट आपको थोड़ी सी स्पेस इधर आपको लेके ये की थोड़ी कम ही है। और इस वाली वरना में जो ये सेकंड जनरेशन वाली थी, इसमें कोई एसी वेंट्स आपको पीछे अवॉइड नहीं करता है, जो भी एसी की हवा है वो सामने से ही पीछे आनी पड़ेगी, तो उसमें कोई वो बात है नहीं। पीछे की तरफ बात करें तो इधर आपको ये जो पार्सल शेल्फ मिलता है ये है, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है लगा रखी है जो, और ये सीट कवर्स लगा रखे हैं तो इस वजह से ऐसा है। नहीं तो यहाँ पे आप दोनों साइड से, ये बेसिकली गाड़ी का पार्ट है ये सीट कवर्स की वजह से, तो आप अगर करोगे तो यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा, इसमें दोनों से अपना हाथ रख सकते हो, और आपके पास यहाँ पे आपको 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। थोड़ा आगे की बात करें, डिज़ाइन जो डैशबोर्ड की है वो अपने टाइम के हिसाब से वैसे काफ़ी अच्छा है। जिस टाइम पे गाड़ी लॉन्च होती थी सब लगभग गाड़ियों में इस टाइप का ही डिज़ाइन आता था, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी चलते हैं आगे। ड्राइवर साइड डोर की बात करें, स्पेसिफिकली जो SX ऑप्शन वाला वेरिएंट है, जो ESX है, इसके ऊपर जो SX ऑप्शन आता था, तो उसमें यहाँ पे आपको एक कीलेस एंट्री के लिए ऑप्शन मिल जाती थी। और इस टाइप का कुछ ड्राइवर साइड डोर है, यहाँ पे आपको ORVM फोल्ड करने के लिए ऑप्शन मिल जाती है बटन की, ORVM को सेट करने के लिए, लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक लगाने के लिए। सिर्फ ड्राइवर साइड जो विंडो है उसको आपको ऑटो फंक्शन मिलता है, बाकी यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी डिसेंट है। आप 1 लीटर की बॉटल सेट लगा सकते हो और साथ साथ आप 0.5 लीटर की 1 या 2 बॉटल्स भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाता है, और जैसा कि मैंने बताया ट्विटर सिर्फ आपको आगे मिलता है। कुछ इधर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी पैकेजिंग है, आप देखो काफ़ी अच्छे तरीके से सारा ने मतलब सेट करके दे रखा है। और ये आपको सीट को सेटिंग है आपके पीछे रिक्लाइन सेट करने के लिए, ये सीट की हाइट सेट करने के लिए, और सीट की आगे पीछे करने के लिए आपको यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाती है। ये वेरिएंट क्योंकि SX है तो इसमें की ऑप्शन मिलती है, SX ऑप्शन मैंने बताया, पुश बटन स्टार्ट आता है, और गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको ये सब यहाँ मिल जाती है। तो थोड़ी सीट सेट करता हूँ मैं पीछे और फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ा गाड़ी के बारे में, और इस सीट को मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। तो देखिए इस टाइप की कुछ है, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी में। तो एक बार की इग्निशन पे लगा लेते हैं, ये देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे सेटिंग आपको काफ़ी आप मतलब थोड़ा लो सेट होते हो, सेडान्स में तो वैसे है ही है कि आपकी सेटिंग थोड़ी लो ही रहती है। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ यहाँ से। तो डैशबोर्ड डिज़ाइन काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी मतलब बोल्ड कट्स एंड क्रीजेज हैं। और बात करें यहाँ ऊपर तो आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर आपको इधर भी मिल जाता है, स्लाइड करने वाला। और इधर आपको मिलती है एक माइक की प्लेसमेंट, इस साइड दोनों तरफ नहीं मिलते, ड्राइवर साइड नहीं मिलता आपको, हैंडल इधर मिलता है, और जो सीट बेल्ट हैं दोनों हाइट एडजस्टेबल हैं ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों। और
ओवरऑल इधर आए अपना इस साइड तो काफ़ी एक डिसेंट स्पेस है यहाँ पे, मतलब जितना ये है जितनी मतलब इसकी विड्थ जितनी है उस हिसाब से स्पेस अच्छी है। इधर आपको मिलते हैं दो कप होल्डर्स या छोटा सा कॉइन्स रखने की जगह। ये आपको मिलता है 6 स्पीड का ट्रांसमिशन डीजल में, और आपको 5 स्पीड का मिलता है पेट्रोल में, और आपके पास दोनों में ऑप्शन होती है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक की। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक 12V का चार्जिंग पोर्ट, साथ ही आपको USB या नॉक्स मिलता है आपका मल्टीमीडिया से कनेक्ट करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे वापस लगा देता हूँ। इधर देखो फुटवेल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रॉड है, सेम इस साइड भी आपको उसी तरीके के मिलते हैं जो मैंने आपको बताया सेटअप, उतनी ही स्पेस और उतने ही स्पीकर्स आपको इधर भी मिलते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, माइंड मत करना, बट काफ़ी डिसेंट है ग्लव बॉक्स, और कूलिंग फंक्शन के साथ आता है। यहाँ से आप कूलिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो, जिससे कि ऐसी तगड़ी गर्मी में आपको राहत मिल जाए। और एयरबैग जो है इस गाड़ी में दो आते हैं, एक यहाँ पे आता है, एक एयरबैग पैसेंजर के लिए आता है, बाकी इस गाड़ी में कोई कॉटन एयरबैग वगैरह किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। तो बात करें अगर इधर की, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स इसके अच्छे हैं, एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। और इधर बात करें तो ये मल्टीमीडिया आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इसमें FM मीडिया में आपको ब्लूटूथ ऑक्स एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले और बाकी मतलब रेडियो और AM/FM, मतलब AM/FM तो रेडियो में ही आ गया, आपको सारे आपको फंक्शनैलिटीज में मिलती हैं। इसमें सेटिंग्स क्या है, साउंड आप सेट कर सकते हो, डिस्प्ले सेट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्शन, और बस मतलब बहुत ज़्यादा ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, उस टाइम के हिसाब से अपना काफ़ी एडवांस था, बट अब जो है कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको सिस्टम्स यहाँ पे ऑफर करने लग गए हैं। जो लेटेस्ट वाली वरना आती है वो तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आने लग गई है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ आपको सिंपल आप अपना टेम्परेचर सेट करो, ऑटो बंद दबा दो तो अपना आप कर लेगा, नहीं तो मैनुअल चलाना चाहो मैनुअल बता दो, या इस बटन को दबा के आप इजीली इसको ऑफ कर सकते हो। गियर लीवर ऐसा है, गियर लीवर आपको रिवर्स डालने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से इस लीवर को, ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इस लीवर को आपको प्रेस करके फिर अगर आप यहाँ डालोगे फर्स्ट गियर मतलब की पोजीशन में डालोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। जो रिवर्स कैमरा जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें, मतलब कोई इतना उसमें कोई नथिंग टू कंप्लेन अबाउट ना। मैं वापस वही चीज़ रिपीट करूंगा कि जिस टाइम की गाड़ी हो सबसे काफ़ी इसमें अच्छा रिवर्स कैमरा आता है, और सेंसर्स की कोई डिस्प्ले नहीं आता, सेंसर्स बस बीप करके बताते हैं। तो ये है अपना कुछ स्टेयरिंग में, यहाँ से आप लीवर को डाउन करके इसको आप सेट कर सकते हो, टिल्ट सिर्फ टिल्ट के लिए है, टेलीस्कोपिक वे में मतलब टेलीस्कोपिक मतलब अंदर बाहर स्टेयरिंग नहीं आएगा, सिर्फ आप इसको स्टेयरिंग को टिल्ट करके ही आप इसको सेट कर सकते हो। और तो यहाँ पे स्टेयरिंग पे आपको क्या क्या ऑप्शन रहता है, ये यही जो स्टेयरिंग है जो i20 जो थी पुरानी वाली उसमें उसमें भी यही स्टेयरिंग आता था, और वही इन स्टेयरिंग इसमें वरना में भी देते थे ये लोग। और आपको यहाँ पे जो जो फंक्शंस मिलते हैं वो ये है कि आपको इधर मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन का बटन, इससे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जो मोड मैंने बताया आपको रेडियो और जो बाकी मतलब रेडियो वगैरह में आपको टॉगल करना है कि आपको रेडियो सुनना है, FM सुनना है, या पेन ड्राइव चलानी है, जो भी करना है उसे यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ट्रैक को फॉरवर्ड और बैक करने का ऑप्शन है, या ये रेडियो चैनल्स अप एंड डाउन करने की ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉल एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने की। स्टेयरिंग व्हील के साथ पहले बात यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल दो लाइट्स मिल जाती हैं, हैलोजन बेस्ड लाइट्स हैं इस गाड़ी में, LED कहीं पे भी नहीं आती, तो ये दोनों लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, डोर मोड सेलेक्ट करने के लिए, और ये एक सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। बात करें सबसे पहले हेडलैम्प्स की, हेडलैम्प कंट्रोल की, तो हेडलैम्प्स आपको यहाँ सिंपल ये जो अपना फॉग लैम्प्स हैं उनको ऑन ऑफ करने की ऑप्शन, इंडिकेटर लेफ्ट राइट, ये लाइट्स ऑन करने के लिए, लाइट्स में आपको ऑटो फंक्शन का भी मिलता है, मतलब जिसमें आपको डिलेड होम भी मिलता है, मतलब आप अपने हेडलाइट्स जब गाड़ी रात को बंद करोगे तो वो सेंस करके, जिसका सेंसर वहाँ पे लगा हुआ है अभी, सेंस करके थोड़ी देर बाद डिले आ करके आपको हेडलैम्प्स ऑफ करती है, जिससे कि आप इसीलिए आप गाड़ी के आसपास आ जा सकें। तो ये पार्किंग, ये मेन लाइट और ये ऑटो। और इस साइड आ जाएंगे तो जो आपके वाइपर्स हैं ये आपको ऑटो नहीं मिलते, वाइपर सिंपल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, और साथ के साथ अगर आप मतलब बस इंटरमीडिएट आप स्पीड अगर आप सेट करना चाहें रेन के अकॉर्डिंगली वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वाइपर्स का स्प्रे अच्छा खासा है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट है नहीं। और
ये इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। डीजल है तो आप देखो आरपीएम कम है, पेट्रोल में थोड़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे आपको बीच में थोड़ी छोटी सी एमआईडी मिल जाती है, यहाँ पे टेलीटेल लाइट्स हैं हर जगह, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो अब अगर बात करें इसकी, आप इसको जो अपना एमआईडी को है इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्विच है वो छोटा सा स्विच यहाँ पे दे रखा है, इसको प्रेस करके सारे फंक्शंस यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ी एमआईडी के बारे में बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सेट कर दूँ। हाँ, ये गाड़ी तो पहले काफ़ी चली, काफ़ी भी आप देखो 178,055 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। लेफ्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ पे राइट पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, और इस बटन को टॉगल करके मैं बताऊँगा। देखो अभी तो बता रही है ये गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, जो कि फ्यूल इकोनॉमी सच्ची में रियल है इसकी, मतलब ऐसा नहीं है, ये गाड़ी सच्ची में जितना क्लेम करते हैं कंपनी क्लेम करते हैं, मतलब ARI क्लेम जिसकी जो माइलेज है वो 23.23 समथिंग है, पर ये गाड़ी सच्ची में अगर आप इसको 80 पे अगर आप मेंटेन कर रहे हो हाईवे पे तो आपको इससे भी ज़्यादा एवरेज दे सकती है, सिटी में आपको एवरेज दे देगी ये 18-19 तक की। तो इस बटन से मैं टॉगल करूँगा, सबसे पहले आप देखो ये आ गई एवरेज, इसके बाद ये आपका इंस्टेंटेनियस आ गया एवरेज, अभी गाड़ी बंद है तो ये नहीं दिखाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है कि आपकी एवरेज स्पीड, फिर आपके पास यहाँ पे आता है ये टोटल जो आपने टाइम गाड़ी का चलाया उसका, ये इको मोड ऑन या ऑफ करना है आपको, इको मोड बहुत माइल्ड इको मोड है, कोई वैसे नहीं जो आजकल की गाड़ियों में आता है, माइल्ड इको मोड है। आपको दो ट्रिप मीटर मिला है, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, फिर उसके बाद ये आपको बताना है डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब इतने फ्यूल में 381 किलोमीटर अभी गाड़ी और चलेगी, और ये वापस आ गया इसका एवरेज। तो ये कुछ सारी बात की मैंने आपसे इस गाड़ी के बारे में, आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं। बाकी तो ये क्लीन एयर भी मैं एक छोटा सी चीज़ और ऐड कर दूंगा कि क्लीन एयर आपको यहाँ मिलता है। क्लीन एयर बेसिकली क्या है कि इसमें माइल्ड फिल्टर लगा हुआ है, जो थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जो मानसून सीजन में जो बैक्टीरिया गाड़ी के अंदर डेवलप होता है उसको ये कट करता है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट डिफॉगर ऑन करने के लिए, और ये आपका यहाँ पे हैजर्ड लाइट स्विच मिलता है। इस साइड आपको सिर्फ कोई और बटन प्रोवाइड नहीं होता, सिंपल एक हेडलाइट लेवलर आपको मिलता है। और नीचे अगर फुटवेल की बात करें यहाँ पे, तो फुटवेल आपको प्रॉपर एक डेड पेडल मिलता है, साथ के साथ क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर। जो इसके ऊपर का जो SX ऑप्शन वाले वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पे एक पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन भी मिलती है। और IRVM की बात करें तो IRVM इसमें ऑटोमेटिक मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें, मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑन डिटेक्ट कर लेता है कि अगर पीछे से लाइट आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली डिम या ब्राइट हो जाता है। तो इनफ ऑफ टॉकिंग, चलो अब गाड़ी चला के देखते हैं। तो चलो अब ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को। 6 स्पीड का मैनुअल है, फर्स्ट गियर, और अपना इंजन स्टार्ट है। इनिशियल जो टॉक है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है, मैंने जैसे कि आपको पहले जब इंजन के वहाँ आपको बता रहा था NM का 260 NM का इसमें टॉक है, और सबसे जो बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो 1900 RPM पे ही आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या है इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है गाड़ी की। आप इधर आसपास इसको चलाना, मतलब सिटी में स्पेसिफिकली चलाना, आपको एक्सीलेटर के इनपुट्स काफ़ी कम देने पड़ते हैं, सेकेंड गियर में भी गाड़ी को आप इजीली आप अपने स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से उसको इजीली उठा सकते हो। और इसके बाद अगर बात करें अपन विजिबिलिटी की, तो ये कर्टन्स को अगर आप माइंड ना करें तो जो विजिबिलिटी है दोनों तरफ वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको हर कॉर्नर वगैरह दिखता है। थोड़ा सा ये जो ए पिलर है यहाँ नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो ज़रूर उसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी को थोड़ा हिंडर करता है, बाकी ORVM से भी काफ़ी ORVM और IRVM दोनों तरफ से जो विजिबिलिटी है वो पीछे की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। विंडस्क्रीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे एंगल पे है, तो मतलब आपको किसी भी तरीके से कोई हिंडर नहीं होता, ना डैशबोर्ड का कोई पार्ट ऐसा है जो इतना ऊंचा आता है कि आपको विजिबिलिटी में हिंडर करे। बस ये थोड़ा सा पार्ट है जो मतलब कटिंग करते हुए पहाड़ों वगैरह पे थोड़ा सा आपको ये वाला जो कॉर्नर है वो इशू आपको दे सकता है। और बाकी बात करें स्टेयरिंग व्हील की, स्टेयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है इसका, जैसे जैसे थोड़ी गाड़ी, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है, हाइड्रोलिक नहीं है, तो जैसे जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो थोड़ा थोड़ा इनपुट आ जाता है, हैवी हो जाता है स्टेयरिंग, तो हाईवे के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मतलब स्टेयरिंग वाइज अगर स्पेसिफिक बात करें। और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देता है, ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड पर वॉबली हो रहा है या फिर स्लो स्पीड पर ज़्यादा हैवी हो रहा है, मतलब हर तरीके से एकदम काफ़ी अच्छा वेल बैलेंस्ड है। और बात करें अगर सस्पेंशन सेटअप की, तो गाड़ी थोड़ी सी हार्ड ही है अगर देखा जाए तो, पर वो थोड़ा सा इसने जो सस्पेंशन उसको ट्यून कर रखा थोड़ा हाईवे के हिसाब से, तो ये सिटी में तो थोड़ी दिक्कत देगा, मतलब कि हल्की बहुत दिक्कत देता है कि थोड़ा सा आपको बाउंसी राइड मिलती है, बट अगर आप हाईवे पे देखोगे तो हाईवे पे ही जो सस्पेंशन स्टेफ है उसकी वजह से आपको काफ़ी काफ़ी फर्म और काफ़ी पकड़ी, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रिप वाली आपको राइड मिलती है। बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की,
बट मतलब थोड़ा बहुत ब्रेकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जो कि इन जो नए वाले जो वेरियंट्स आए हैं वरना के उसमें ने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। ब्रेकिंग एक पार्ट ऐसा था कि जिसमें ABS का जो उसका जो सेंसर है वो काफ़ी सही वैसे कैलिब्रेटेड है। अगर आप एकदम प्लेन टारमैक है जैसे अभी जिस सड़क पर चल रहे हैं एकदम प्लेन टारमैक है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे थोड़ी भी बहुत भी जैसे मिट्टी होगी, बजरी होगी जहाँ सड़क पे, तो वहाँ पे ABS जो सेंसर है ना वो एकदम ब्रेक पेडल को एकदम फ्री कर देता है, जिसके जो काफ़ी थोड़ा रिस्की काम है। तो ब्रेक इन में प्रॉब्लम थी जो उनने अभी जो नए वाले वेरियंट्स हैं उनमें ये ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी। बाकी टॉर्क खूब है गाड़ी में, 260 Nm कम नहीं है, 126 BHP की पावर है इसमें। तो किसी भी गियर में आप एक्सेलेटर के नीचे पाँव दबाओ तो गाड़ी बस एकदम भागने लग जाती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ क्योंकि 6 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और अगर आप ऑटोमेटिक ले तो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलता है। मैनुअल में स्पेसिफिक बात करें तो जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, अभी भी 25.2 दिखा रही, बट आप अगर इसको 80 पे अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो 27-28 तक की भी एवरेज देती है विद AC ऑन। और सिटी में भी आपको इजीली 17-18 की तो एवरेज मिनिमम आपको निकाल के देगी, चाहे लोग बैठे हों चाहे ना हो। टॉक क्योंकि अच्छा है ना तो उस वजह से इस तरीके में कोई अपने पावर में किसी भी तरीके को कोई इशू है नहीं। तो ये कुछ ओवरऑल बात थी, मेरे को और तो वैसे कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स है नहीं गाड़ी में, बस मेरे को ब्रेकिंग का लगा और मेरे को थोड़ा हेडलाइट्स की भी लगी। हेडलाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक एक स्पेसिफिक अलग एक वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा हेडलाइट्स के बारे में। पर बाकी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी सिटी में भी यूज़ करने के लिए एकदम कंफर्टेबल और हाईवे के लिए भी एकदम मैप्ड है, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया गाड़ी है। बस एक इशू ये है कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा अगर खड्डे ज़्यादा हैं जहाँ पे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे टायर्स की प्रोफाइल बचपन ही है तो, और सस्पेंशन भी थोड़ा हार्ड है और क्लियरेंस कम है गाड़ी की, 170 Nm ही है, तो आपको वो थोड़ी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी तो आपको हाईवे में अगर आपकी जहाँ सड़कें अच्छे हैं आपको कहीं भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ रिव्यू था मेरा वर्ना फ्लोरटेक 1.6 डीजल, अपन ने पूरी बात कर ली हर तरीके से, गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। अब इसके ऊपर एक वेरिएंट और आ चुका है और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट वाली वरना आ रही है उन पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द में। बट ये गाड़ी अपने पास रेडली अवेलेबल थी तो मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पुरानी से ही स्टार्ट कर दी, वैसे इससे पुरानी भी एक वेरिएंट था बट ये है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी काफ़ी वेल बैलेंस्ड गाड़ी है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो भी डिटेल्स आपने आई होप देख ही ली होंगी वीडियो में, और आपने अभी तक वीडियो में देखे हो आप यहाँ तक बने हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस आके और आती रहेंगी आपके पास। और किसी भी तरीके का कोई सजेशन या आपको कुछ भी चाहिए कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कैसे और चीज़ों को दिखा सकता हूँ वो आप ज़रूर वीडियो में आकर शेयर करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।